हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं सुबह अपने हस्बैंड की और अपनी बेटी की टिफिन की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं उनको टिफिन में देने जा रही हूँ लौकी की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल को गर्म किया है, उसमें हींग और जीरा डाल के, हरी मिर्ची डाल के, ये पतली पतली छोटी छोटी लौकी कट कर रखी है वो डाल दी है। पतली इसलिए कट करी है कि ये जल्दी से पक जाए, समय कम लगे और बहुत अच्छे से पक जाती है और अच्छी बन जाती है। हाँ, मैं थोड़ा सा पानी जरूर डालती हूँ लौकी में, उससे ये होता है कि ये अच्छे से गल जाएगी और इसका पानी जो है वो सूख जाएगा तो जलेगी नहीं। जलने की वजह से मैं इसमें डाल देती हूँ। तो सुबह उठ के एज यूजल मेरे सारे जो काम रहते हैं, झाड़ू पोछा और थोड़ी मोड़ी क्लीनिंग, और उसके बाद नहा धो के तैयार होकर, बस मैं यही लग जाऊँ, तैयार नहीं होती हूँ, नहा धोकर खाना वाना बनाने लगती हूँ। और साथ ही साथ चाय बनाना, ब्रेड टोस्ट करना, और हस्बैंड को चाय नाश्ता बनाना या फिर कुछ और बना देना, इस तरीके से सारे काम ना सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। तो वो सब किया, उसके बाद ये सब्जी भी छौंक दी। कभी कभी आटा लगा हुआ रहता है मेरे पास, नहीं तो मतलब ज्यादातर तो मुझे सुबह लगाना ही पड़ता है। हाँ, कभी होता है कि कभी बच गया थोड़ा रखा है, लेकिन वो मैं इनके लिए भेजती नहीं हूँ, मैं अलग से लगाती हूँ, वो भेजती हूँ। वो जो रखा रखा होता है वो मैं बनाकर तुरंत ही तुरंत खा लेती हूँ, क्योंकि जो आटा सुबह का रात का रखा हुआ होता है ना, वो उसकी रोटी बना के जब मैं भेज दूंगी तो वो तो काफी देर बाद खाएंगे, और मैं जब उनको बनाऊंगी तो तुरंत खा लूंगी, इसलिए मैं उनके लिए ताजा बनाती हूँ। तो अभी मैं अध्याय की चोटी कर रही हूँ। दक्ष ना सो के जग ही चुका है, बार बार उठ रहा है, बार बार बैठ रहा है। तो हमने तो चलो चाहे तब तक ये जगे ना, तब तक मैं चोटी कर लेती हूँ इसकी। आज ये बोल रही थी कि मम्मा मुझे चोटी कर दो, मुझे चोटी अच्छी लगती है। हो सकता है क्लास में किसी को, स्कूल में किसी बच्ची को देख लिया हो चोटी करते हुए, करके आते हुए, इसलिए बोल रही है कि मेरी दो चोटियां कर दो। तो मैं वही उसकी दो चोटियां कर रही हूँ, और सच बताऊँ मुझे दो चोटियां इस तरीके से करनी आती नहीं है ठीक तरीके से, बट हाँ बस बच्ची ने कहा है तो मैं करूंगी ही। और देखिए मैंने चोटी उसकी कर दी है दो, क्यूट सी भी लग रही है, उसके बाल थोड़े बड़े भी हो गए हैं। कभी कहती चोटी कर दो, कभी कहती मेरे बाल ही कटवा दो। तो मैं सोच रही हूँ कि अब गर्मी तो जाने ही वाली है, बरसात चल रही है, फिर भी सर्दियाँ आ जाएंगी, तो फिर इस बाल क्या कटवाना, फिर इसके बाल मैं नहीं कटवा रही हूँ। बस चोटी वगैरह की, आध्या को तैयार किया, टिफिन विफिन दिया, ऑफिस को स्कूल भेज दिया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ पहले से, और वायरल हुआ था मुझे, जिसकी वजह से 2 दिन तो फीवर रहा, हाथ पैर टूट ही रहे थे, अभी भी कमजोरी, हाथ पैर में दर्द है, लेकिन पहले से तो ठीक हूँ मैं आज। और आज स्कूल गई मैं, आप लोग पता ही है रक्षाबंधन आ ही रहा है, तो कल है 6 तारीख, आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है, कल आद्या के स्कूल में फंक्शन है, रक्षाबंधन के ओकेजन पर छोटा मोटा कुछ रखा हुआ है उन्होंने। बच्चों को एक राखी लेके जानी है, कलर लेके जाने हैं, ग्लू लेके जाना है, ऐसी कुछ चीज़ें लेके जानी है, शायद वो कुछ बनवाए बच्चों से, यानी कलरफुल ड्रेस में जाना है। तो कल आद्या के स्कूल जाने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ कि मैं उसे अच्छे से कोई ड्रेस पहनाऊँगी और उसे मतलब चीज़ें दूँगी और वो अच्छे से कुछ ना कुछ करके आएगी। सो आद्या भी अब इंजॉय कर रही है फेस्टिवल को। एंड एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, कल मैंने कैमरा नहीं उठाया था। छोटी सी जो लास्ट में कल वाले वीडियो की क्लिप देखी थी, वो आद्या ने चुपचाप उठाकर मेरा वीडियो शूट, मतलब मोबाइल उठाकर वीडियो शूट कर लिया, थोड़ा सा अपना जो उसे कहना था वो कह दिया, जो उसके मन में आया। एक्चुअली कल आद्या को सर्टिफिकेट मिला था, वो फर्स्ट प्राइज में आई है, फर्स्ट प्राइज मिला उसे ड्राइंग कॉम्पिटिशन में। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मुझसे बोल रही थी मम्मा ब्लॉग बनाओ, मम्मा ब्लॉग बनाओ और सारी मौसियों को बताओ। तो मेरी हिम्मत नहीं थी कल कुछ भी करने की, तो मैंने बोला मुझसे मत कहो बेटा, तो वो फ़ोन खुद उठा ले गई, जो मर्जी आए थोड़ा बड़ा उसने बोल दिया। एंड मुझे बहुत खुशी होती है कि वो आप लोगों से इतना अटैच है, और आप लोगों से बात करने के लिए, अपनी हर एक खुशी को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। खैर जो भी है, आज मैंने पूरे घर को क्लीन करने की कोशिश करी है, मतलब प्रॉपर क्लीन नहीं कर पाई, इतनी हिम्मत नहीं हो रही मेरी। मैंने क्या किया है, जो टेबल और कुर्सियाँ थी रखी थी, ज़्यादातर आप लोग देखते ही होंगे मैं ज़्यादा कुर्सी पे तो बैठती ही नहीं हूँ, ऐसे बेड पे आके बैठ जाऊँगी, टीवी इसी रूम में है, खाना वगैरह खाना तो ज़मीन में बैठ के खाती हूँ, नाश्ता भी ज़मीन में बैठ के ही कर लेती हूँ, तो फिर इतना वो नहीं रहता है, तो मुझे ऐसा लगता थोड़ा सा वेस्टेज लगता है मुझे। तो मैंने उनको ना दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है, जैसे कुछ सामान ज़मीन पर रखा रहता है वहाँ पर, तो वो सामान टेबल पर और चेयर पर रखा रहेगा।
तो मैंने दूसरे रूम में शिफ्ट किया, कितने दिन शिफ्ट रहेगा ये नहीं मालूम है मुझे। और मुझे आज कपड़े भी बहुत सारे प्रेस करने हैं, बट अभी हिम्मत नहीं हो रही है, देखती हूँ क्या करना है। सुबह लौकी की सब्ज़ी बनाई थी तो मैं सोच रही इस टाइम दाल चावल बना लूँ, तो लौकी की सब्ज़ी दाल चावल हो जाएगा और रोटी। और आज मैं दक्ष की जो ड्रॉस है जिसमें दक्ष के सारे कपड़े लगे हुए हैं उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि एक दिन आध्या ने उसको निकाल कर ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की थी तो ऊपर नीचे उल्टे सीधे लगा दिए हैं। हालांकि उसकी कोशिश बहुत अच्छी की थी, उसने अपनी भी ये वाली वार्डरोब जो है ब्लू 100 वाली इस तरह रखी है, ये वाली इसको भी उसने अच्छे से अरेंज किया था, अपने वाले ब्लॉक ऊपर वाला सेक्शन वो अच्छे से लगा हुआ है। मुझे बहुत खुशी होती है कि आध्या अब छोटी मोटी चीज़ें करने लगी है। कल मेरी हिम्मत नहीं थी झाड़ू और पोछा कुछ लगाने की, तो शाम तक ना घर बहुत मैसी बह रहा था। आध्या ने पूरे रूम की सफाई की और बहुत अच्छे से की, बेड के नीचे से कूड़ा निकालना, टेबल के नीचे से निकालना, ड्रॉजर्स के नीचे से निकालना, मुझे पूरा अच्छे साफ किया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैं अपना घर देख कर लग रहा मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया है, ये दक्ष ने किया है, ये अभी छुड़ाना है। अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही सब कुछ करने की, इस वजह से सब चीज़ें रह जा रही है, लेकिन उसको भी करना है। रक्षाबंधन आ रहा है, आप लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हो, मायके जा रहे हो या भाई आ रहा है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो मुझसे शेयर करना, क्या क्या मंगाया है इस बार रक्षाबंधन पे। जो मैं शॉपिंग वगैरह करती हूँ अमेजोन से अक्सर ही करती हूँ, हर मंथ ही करती हूँ, इस मंथ मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है अमेजोन से। और मुझे बड़ा ना वो लग रहा है कि मैंने इस बार कुछ भी नहीं मंगाया है, खैर जब मंगाऊंगी तब शेयर करूंगी। इस बार तो ऐसे ही है, जो भी है उसी में मैं रक्षाबंधन मनाऊंगी। और क्या पहनूँ मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा बताइए, आप मुझे बताइए सूट पहनूँ, शरारा पहनूँ या फिर साड़ी पहनूँ। वैसे मुझे मालूम है मेरे व्यूवर्स यही बोलेंगे कि आप रक्षाबंधन वाले दिन साड़ी पहनूँ, तो मैं सारी चीज़ें चूज करके रखी हूँ, सूट शरारा साड़ी तीनों निकाल के रखूँगी। तीनों में से हो सकता है दो तो पहन ही लूँ सुबह शाम में ऐसे कुछ करके, लेकिन देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो चलिए अभी मैं थोड़ा मोड़ा जो मेरा काम बाकी रह गया उसको स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी बातें हो गई आप लोगों से, 5 मिनट तो मैंने आप लोगों से बातें ही कर ली, नहीं कभी कभी ना ये बातें करनी भी ज़रूरी होती हैं। तो चलिए लगते हैं अपने काम में, है ना। क्या कर रहे हो बाबू, क्या कर रहे हो? ये दीदी का कलर लेके सब कहीं लगा रहे हो ना, बेड को भी ख़राब किया है आपने, हैं सब जगह लगा रहे हो, दीवारों को ख़राब कर रहे हो, मानते भी नहीं हो। ला मुझे दो ना। दो मुझे दो माई, ये माई दो, चुम्मा को दे दो माई। ला ला मैं पकड़ू, फिर माई माई करते आ जाओ, ला माई। हाँ चलो ला, माई माई माई। मम्मी की है ये, मम्मी की है, मम्मी मम्मी का तो ये भी है बाबू, ये भी है मम्मा का। चलो आ जाओ, आपकी ड्रॉस सही करें, कपड़े सही करें आपकी। कहाँ ले जा रहे हो? देखो गाइस ये कहाँ लेके जा रहा है मुझे, कहाँ कोई आया है, कहाँ है कोई, कहाँ है कोई, पानी आने वाला है, अच्छा बारिश होने वाली है, आ जाओ देखते हैं कहाँ बारिश आ रही है। बारिश तो नहीं आ रही है अभी। अच्छा बॉल कहाँ है, बॉल बॉल कहाँ है, ये है बॉल ले आओ। बस आज मैं ये लेकर बैठ गई हूँ, इसको मुझे क्लीन करना है। वैसे तो मुझे इसे अच्छे से साफ धुलना भी है इसको, और इसको मैं ब्रश से क्लीन करके और इसको धुल के फिर धूप में सुखाने वाली थी, फिर बारिश ऐसी होने लगती है जिसकी वजह से ये सब सूख वूख तो पाएंगे ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं लगा देती हूँ। और ये एक शर्ट है ये दक्ष की, वो बहुत ही सुंदर लगती है, बस फुल स्लीव्स की है ना, तो इस वजह दक्ष को गर्मी में पहनाने का मन नहीं करता है, उलझन होती है उसे। और जब तक मैं इसके कपड़े लगाऊंगी ना तब तक ये ऐसे ही शरारत करता रहेगा, तो जैसे कि खाना बनाने से या घर के और कामों से फुर्सत मिल जाती तो मैं ये काम ना निपटा ही लेती हूँ धीरे धीरे करके, एक एक करके। तो मेरे रूम में ना अलमारी वगैरह नहीं रखी है, मैंने दूसरे रूम में रख रखी है, इसलिए आपको मेरा काम ना दिखता कम है, क्योंकि मैं उसी कमरे में कभी कभी बैठ के काम कर लेती हूँ, कैमरा नहीं लगाती हूँ, कभी कभी मैं यहाँ का काम दो यहाँ कर रही हूँ। तो दक्ष की जितनी टी शर्ट हैं वो मैं एक में रख रही हूँ, जो टी शर्ट सेट हैं वो उसी में रख रही हूँ, जितने की अलग से पैंट हैं उनको मैं अलग रखूँगी, पैंटीज वगैरह, ताकि आसानी रहती है दक्ष से कि अभी कभी कभी बाथरूम बता देता है, कभी कभी नहीं बताता है, तो मुझे
निकालने पड़ते हैं। और दक्षिण सरा देख लो, एक डब्बे को एक डब्बा लगा दिया, उसमें अंदर खुद घुस रहा है। तो बस यहाँ पे मैं सब कपड़े हैं वो अच्छे से लगा दूंगी। सबसे नीचे वाले में कुछ डाइपर्स रखे हैं, सेकंड वाले में मैं रख दूंगी इसमें कुछ एक्स्ट्रा कपड़े जो भी सॉक्स वगैरह होते हैं वो, और एक में रख दिए हैं मैंने सेट एंड टी शर्ट, और ऊपर वाले में मैंने रखी है पैंट एंड पैंटीज। तो बस इस तरीके से लग गया है। और उसके बाद मैंने और भी अपने काम किए हुए थे, प्रेस वगैरह करना, वीडियो की एडिटिंग करना, एंड दक्ष को नहलाना, तैयार करना, तो उन सब में भी बहुत सारा समय गया था। तो फिर मैं आगे वीडियो ना शूट नहीं की थी। तो फिर मैं अभी आपको मिलूंगी सीधे शाम को। रहे हो कहाँ जाना है? कहाँ चप्पल उल्टी करना है? वो चप्पल देखो किसी चप्पल पहले से। उल्टी है। अरे चप्पल उल्टी है। चप्पल सीधी करो। चप्पल सीधी करो, चप्पल उल्टी पहने हो। वो ये वाली उस पैर पहनो। पहले पहन गई। पहन गई। उंगली कहाँ जा रही है? चप्पल सीधी करो, चप्पल उल्टी पहने, उतारो चप्पल। अब जा कहाँ रहे हो? जा कहाँ रहे हो? कहाँ जाओगे? हाथ में एक हाथ में कार और देखो ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे बताओ ना कहाँ जा रहे हो? पी। नहीं, अभी हम नहीं ले जा रहे। ना पी। अभी हम ले नहीं जा रहे तुमको, थोड़ी देर में ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर में ले जाएंगे। अभी काली वर्षा है, किचपिच किचपिच हुई होगी। अभी जाओ, अभी थोड़ी देर में अंदर आओ, अंदर आ जाओ। चप्पल सीधी पहनो। पहले चप्पल सीधी पहनो। मैं पहनाती, मैं पहनाती हूँ। दिखा, उतारो 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 जल्दी उतारो। क्यों, क्या मासूम कितना बनता है? क्यों दूसरा दे रहे? क्या है गाइस, आप में से काफी लोग कह रहे थे कि आपको मायके जाना चाहिए रक्षाबंधन पे। आपकी दादी एक्सपायर हो गई थी, इस वजह से आपका ये त्योहार जो है दुख भरा है, तो आपको इस त्योहार पे घर जरूर जाना चाहिए। सो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं घर नहीं जाऊंगी। मैंने आप लोगों को ये बताया कि राखी मैंने ले ली है, हो सकता है भाई आ जाए, लेकिन भाई नहीं आएगा और मुझे ही जाना है, तो मैं मायके जाऊंगी। आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ लोग हैं जो कभी सुधर नहीं सकते हैं। मैंने कल वाले वीडियो में ये बोला था कि ये 3 दिन का वीडियो है, मतलब थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई, कभी नहीं बनाई, कुछ आध्या ने शूट की वही ऐड की है। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो उनका उन्होंने कुछ लोगों ने ऐसे बोला है कि झूठ बोलती है, खूब सारे ब्लॉग बनाती है, पैसे कमाती है, और कहती है कि बना नहीं पाई, पूरा तो पूरा वीडियो बना लिया। तो पूरा वीडियो कहाँ बना लिया, 3 दिन में जब एक छोटा सा 10 से 12 मिनट का एक वीडियो बनाया, वो क्या बनाया। एक दिन में पूरा ब्लॉग में बनाती हूँ, वो भी अच्छा खासा मिनट्स का, लेकिन नहीं बना पाई क्योंकि तबीयत नहीं सही थी इसलिए। और जो मुझे जानते हैं, रेगुलर फॉलो करते हैं, वो अच्छे से ये बात समझ सकते हैं। वैसे मुझे इन जैसे लोगों की कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी इनको प्यार देती हूँ, बात करती हूँ इनके बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग भी मुझे रोज देखते हैं और फिर भी रोज मुझे देखेंगे भी। एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए। सो गाइस, हमने ये वाली ड्रेस है वो निकाली है आद्या की। ये यहाँ पे बेल्ट दी गई हुई है, फिर मैं दिखाती हूँ अच्छे से। ये फ्रॉक है, और ये फ्रॉक ऐसे लोकल शॉप से ली थी मैंने आद्या के लिए, बहुत ही सुंदर है, तो आद्या यही पहन जाएगी। ठीक है आद्या, लगा के दिखाओ अपने आप में, दिखाओ मैं बताती हूँ। दिखो ऐसे पकड़ो, ये वाली आद्या पहन जाएगी, क्यूट सी आद्या बन के जाएगी रक्षाबंधन पार्टी में। ठीक है, अच्छे से क्लिप्स लगा देंगे। ठीक है, तो ये आद्या पहन जाएगी। इसमें ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ ये है कि एक इसका ये बटन तो लगा हुआ है, एक खो गया है भी नहीं जो मैं स्टिच करूं। तो देखती हूँ, मेरे पास जो सुई धागा रखा उस बॉक्स में 2-4 बटन पड़े हुए हैं, तो अगर कोई ठीक ठाक लगा, मैच करता हुआ, तो वो मैं लगा दूंगी, तो ये कम्प्लीट हो जाएगा। सो गाइस, आद्या की ड्रेस तो निकल आई है। और आद्या आद्या कुछ और करना है क्या? हाँ। कुछ और कैमरा हाँ। सा लग रहा, गंदा सा लग रहा है, थोड़ा सा कैमरा साफ करो। दिखाना आद्या, अब साफ हुआ थोड़ा सा, अब सही है। क्यों आद्या, और क्या करना है? राखी बनाना। राखी
अभी भी मुझे बहुत पसीना सा आता है, तो पंखे के पास बैठी हूँ फिर भी पसीना सा आ रहा है। जब वायरल जाता है तब भी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, उसमें वीकनेस छोड़ जाता है, तो बस वही वीकनेस है, वो भी बहुत ज़्यादा। सारा सारा दिन हो जाता है मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। सोचो आज मैंने रूम वूम थोड़ा ठीक किया हुआ है, मैं आपको हॉल दिखाऊंगी। अभी हॉल एकदम खाली हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिख रहा है। हम लोग यहाँ चटाई बिछाई बिछा कर बैठ सकते हैं, मैट बिछा कर, ताकि हम लोग ज़्यादातर नीचे ही बैठते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं तो नीचे ही बैठना होता है। चेयर वगैरह हमने एक साइड ही कर दी है। और कुछ करना है मुझे, जैसे कि आपको पता है फेस्टिवल आ ही रहे हैं, तो थोड़ा सा घर को सजा दो अच्छा लगता है। फूलों वाली लड़ियाँ होती ना वो डाल दूँ ना तो घर एकदम रौनक लग जाती है घर में, तो वैसा ही इसको सोच रही हूँ। अभी मुझे ड्रेसिंग के ऊपर टेडी बियर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। अच्छा, मेरा जो बैंगल बॉक्स है जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी वेलवेट की चूड़ियाँ वगैरह हैं, उन्हें ड्रेसिंग के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, उसके ऊपर रखे हुए टेडी बियर, जिसकी वजह से ना मैं वो निकाल ही नहीं पाती हूँ। और जब भी कोई ड्रेस वगैरह पहनती हूँ तो फिर आलस करने लगती हूँ कि नहीं रहने दो, छोड़ दो, अरे रहने दो, कौन चढ़े कौन उतारे। तो उसको सोच रही हूँ सही करके सब कुछ निकाल निकल के रखें। फेस्टिवल आ ही गए हैं, अब बीमारी भी जो बुखार आया था वो भी अब चला गया है, थोड़ा सा वीकनेस है, लेकिन फिर से त्यौहार आ रहे हैं, हंसेंगे, खिलाएंगे, ड्रेसेस पहनेंगे और त्यौहार मनाएंगे। चलो अभी मुझे ना वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, और मेरे वीडियोस जो है देखो काफ़ी एक दो दिन लेट आ रहे हैं, लेकिन बीच में मैंने वीडियो बनाया नहीं है, जैसे कल ही नहीं बनाया, परसों बनाया। आप सोचो 3 दिन मिलाकर एक वीडियो बन के तैयार हुआ मेरा, वो मैं इससे पहले जो आपने कल देखा होगा वो वाला वीडियो 3 दिन का एक वीडियो है। तो ऐसे ही हो रहा है, कमज़ोरी हो गई है जिसकी वजह से मैं वीडियो कुछ बना ही नहीं पा रही हूँ। नहीं लाडो, मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी बाबू। तो बस चलो, अब मैं सोच रही इस वीडियो को यही एंड कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा हाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। देखो इस स्पेशल कुछ वीडियो में मैंने दिखाया नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, तो मैं क्या ही दिखाती इसमें, लेकिन कोशिश करूँगी आगे अच्छे से वीडियोज़ लाने की, थोड़ी हिम्मत और आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।